बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स में यूनिट 10 जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 9 का नाम है रेफ्रिजरेटर। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनामिक्स की ज़ुबान में रेफ्रिजरेटर का मतलब है क्या, अगर हम देखें तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था हीट इंजन। अब हीट इंजन क्या कर रहा था कि ये कन्वर्ट कर रहा था हीट एनर्जी को वर्क में। अब यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर है वो हीट इंजन का क्या है बच्चे, ओलेट है। उसमें हम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से अमाउंट ऑफ हीट लेते थे और उस पर इंजन काम करता था, लेकिन यहाँ पे हम लो टेम्परेचर रिजर्वायर से, जिसको हम सिंक कहते हैं, अमाउंट ऑफ हीट लेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, वर्क में। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रेफ्रिजरेटर। देखिए बच्चे, रेफ्रिजरेटर को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द डिवाइस विच आइदर कूल आर मेंटेन अ बॉडी टेम्परेचर बिलो दैट ऑफ द सराउंडिंग इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। क्या मतलब है बच्चे, देखिए, द डिवाइस विच आइदर कूल आर मेंटेन अ बॉडी टेम्परेचर बिलो दैट ऑफ द सराउंडिंग इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। इट इज अपोजिट ऑफ द हीट इंजन। रेफ्रिजरेंट क्या है, देखिए हम ज्यादा तौर पर बच्चे रेफ्रिजरेटर में गैस यूज करते हैं, उस गैस का नाम है फ्रियॉन। तो देखिए, द वर्किंग सब्सटेंस यूज इन रेफ्रिजरेटर इज कॉल्ड रेफ्रिजरेंट। इन रेफ्रिजरेटर द अमोनिया इन वाटर सॉल्यूशन इज यूजुअली यूज एज अ रेफ्रिजरेंट। यूजेस ऑफ रेफ्रिजरेटर, देखिए रेफ्रिजरेटर के बच्चे दो इस्तेमाल है, हम इसको गर्मियों में भी यूज कर सकते हैं और हम इसको सर्दियों में भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे, नंबर वन, व्हेन द रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड फॉर कूलिंग इन समर देन इट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। व्हेन द रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड फॉर हीटिंग इन विंटर देन इट इज कॉल्ड हीट पंप। अब वर्किंग क्या है, देखिए अगर हम डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इंजन है। यहाँ पे ये वर्क करता है, ये यहाँ पे देखिए बच्चे, ये हमारे पास है लो टेम्परेचर रिजर्वायर, इसको हम सिंक कहते हैं, इसकी टेम्परेचर है T2। ये हमारे पास है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, इसको हम कहते हैं सोर्स T1। अब यहाँ से हम लो टेम्परेचर रिजर्वायर से, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, यहाँ पे जो भी है वो कंप्रेस है, ये कूल है, तो ये अमाउंट ऑफ हीट हम लेंगे Q2। और जब भी हम यहाँ से हीट लेंगे तो उस पर कुछ वर्क करेंगे, तो यहाँ पे वर्क करेगा और ये रिजेक्ट करेगा Q1 को हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ। सो देखिए, इन रेफ्रिजरेटर द रेफ्रिजरेटर इज टेकन थ्रू साइकिल इन सच अ वे देयर सम अमाउंट ऑफ हीट Q2 is removed from a cool body at temperature T2. A work W is performed by the compressor or the refrigerator in the working substance. The quantity of heat Q1 is rejected to high temperature reservoir. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो Q1 है ये high temperature reservoir की तरफ reject हुआ है, और atmosphere at temperature T1 by the radiator fixed at the back side of the refrigerator. हर refrigerator में अगर आप देखें तो इसके back side पे एक device लगा होता है, उसका नाम क्या होता है, radiator. The purpose of refrigerator is to extract as much heat Q1 as possible from the cold reservoir with the expenditure of as a little work is possible and eject heat Q1 to high temperature reservoir at temperature T1. Such that, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो Q1 है
वो बराबर है W प्लस Q2। तो हम यहां से ये भी निकाल सकते हैं कि हमारे पास बच्चे यहां पे जो वर्क है वो बराबर है Q1 माइनस Q2। ये रेफ्रिजरेटर में बहुत बड़ी बात है, इसकी इफिशियंसी में आम हीट इंजन की आम इफिशियंसी में फर्क यही है कि वहां पे इसके बाद सुने बच्चे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एनर्जी रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेटर मतलब एफिशिएंसी। अगर हम एफिशिएंसी की तरफ जाए तो एफिशिएंसी को बच्चे हम ग्रीक वर्ड ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एफिशिएंसी के लिए हमारे पास फार्मूला होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। लेकिन यहां पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड फ्रॉम द हीट सिंक मतलब लो टेंपरेचर रिजर्वायर टू वर्क रिक्वायर्ड टू डू सो। तो द रेफ्रिजरेटर इज यूज फॉर कूलिंग इन समर देन इट हैज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज एक्सप्रेस एस। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चे इसके बाद अगर हम एफिशिएंसी कूलिंग के लिए फार्मूला लिख ले तो देखिए यहां पे एफिशिएंसी पर कूलिंग डिजायर्ड आउटपुट डिवाइड बाय रिक्वायर्ड आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट डिवाइड बाय रिक्वायर्ड यहां पे क्या है रिक्वायर्ड यहां पे हमारे पास जो हीट रिमूव फ्रॉम लो टेंपरेचर रिजर्वायर है वो है वर्क एनर्जी रिक्वायर्ड। अब यहां पे जो हीट रिमूव फ्रॉम लो टेंपरेचर रिजर्वायर हमारे पास है वो है या रिक्वायर्ड आउटपुट वर्क। अब यहां पे देखिए बच्चे Q2 डिवाइडेड बाय W सो दैट इज द फार्मूला फॉर रेफ्रिजरेटर फॉर कूलिंग एफिशिएंसी के लिए। सो ई कूलिंग इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय W इक्वेशन नंबर 1। अब हम डायग्राम से जानते थे कि हमारे पास जो Q2 है वो Q2 प्लस W वो बराबर है Q1 के। तो यहां से हम वैल्यू निकाले W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अब ये इक्वेशन से हमारे पास बन जाएगा कि एफिशिएंसी फॉर कूलिंग इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। अब ये फार्मूला हमारे पास है रेफ्रिजरेटर के लिए जिसको हम कूलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन टर्म ऑफ टेम्परेचर क्योंकि लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर T2 है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का T1 है तो इस फार्मूले को बच्चे हम इन टर्म ऑफ टेम्परेचर इस तरह लिख सकते हैं कि E फॉर कूलिंग T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। तो ये फार्मूले और हीट इंजन के एफिशिएंसी के फार्मूले में बच्चे फर्क है इसमें बहुत बड़ा ख्याल रखना है। अब बिल्कुल इसी तरह अगर हम रेफ्रिजरेटर को सर्दियों में एज अ हीट पंप यूज करें तो इसकी एफिशिएंसी के लिए फार्मूला यही है। सिमिलरली व्हेन रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड एज अ हीट पंप देन एफिशिएंसी फॉर हीटिंग हीट रिजेक्टेड टू हाई टेंपरेचर रिजर्वायर डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ वर्क। अब यहां पे है हीट रिजेक्टेड टू हाई टेंपरेचर रिजर्वायर जो है वो हमारे पास क्या है Q1 है और अमाउंट ऑफ हीट क्या है W। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि Q1 डिवाइडेड बाय W की वैल्यू हम जानते हैं कि इस केस में वो क्या होगा Q2 माइनस Q1। सो इन टर्म ऑफ टेंपरेचर यहां पे हम लिख सकेंगे कि T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ये हमारे पास यहां पे फार्मूला है अगर हम रेफ्रिजरेटर को यूज करें एज ए हीट पंप सो दैट इज द फार्मूला फॉर वाटर फॉर एफिशिएंसी। अब यहां पे देखिए बच्चे कि नो साइक्लिक डिवाइस हैज एवर बीन बिल्ट दैट विल एक्सट्रैक्ट हीट Q1 फ्रॉम अ कोल्ड रिजर्वायर एंड रिजेक्ट इट एंटायरली टू हॉटर रिजर्वायर विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। ऐसा इंजन साइक्लिक इंजन बच्चे इजाद ही नहीं हुआ है जो कि कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर से
हार्ट टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ काम करे, हीट फ्लो करे, वो हम कोई इस पर एक्सटर्नल वर्क ना करे, हमने ज़रूर कोई एक्सटर्नल वर्क इस पर करना है। सो दैट इज द क्लासिक स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के उसूल पे काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि रेफ्रिजरेटर जो इजाद है वो क्लासिक स्टेटमेंट की मदद से हुआ है। तो दैट इज द इन्वेंशन ऑफ रूडर्फ क्लॉसियस। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।